नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के टॉपिक्स को बच्चों क्लियर करवा रही हूँ। आज बच्चों अपना टॉपिक है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। देखो बच्चों, कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है और जो मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं, उनको कॉपी भी साथ में रखनी होगी ताकि बोर्ड पर जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स लिखवा रही हूँ उसको भी आप लिखते जाइए। तो आज का टॉपिक है बच्चों मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। आप सब जानते हैं और पहले के वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि राज्य कार्यपालिका जिसके अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के मेंबर आते हैं, इन सब से मिलकर राज्य कार्यपालिका का निर्माण होता है। राज्य कार्यपालिका, जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में राज्य कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है, उसमें आपका अनुच्छेद 163 कहता है कि मुख्य राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को सलाह देने के लिए और राज्यपाल के कार्यों में सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 कहता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। हाँ, हो सकता है राज्यपाल को कई बार बहुमत नहीं होने पर स्वविवेक का उपयोग भी करना पड़े, ये हो सकता है, लेकिन ज्यादातर राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है बच्चों। तो मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त बहुमत दल के नेता को किया जाता है। कई बार राज्यपाल गठबंधन की सरकार में स्वविवेक का उपयोग करता है जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में भी किया गया है। उसके बाद आता है बच्चों योग्यता। अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको विधायक बनना होगा, और विधायक बनने के लिए अगर आप विधानसभा में विधायक बनना चाहते हो तो आपकी आयु 25 साल होनी चाहिए, और विधान परिषद के अगर आप मेंबर हो तो आपकी आयु 30 साल होनी चाहिए। मान लो विधानसभा से मुख्यमंत्री चुना जाता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, और अगर विधान परिषद से आता है तो उसकी आयु 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मान लो अनुच्छेद हमारा 164 कहता है, 164-4 कहता है कि अगर मान लो कोई भी मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बनने के समय कोई जरूरी नहीं है कि वो राज्य विधायिका का सदस्य हो, लेकिन आगामी 6 महीनों के अंदर अंदर उसे राज्य विधायिका का पद प्राप्त करना होगा, उसको विधायक बनना होगा, विधानसभा विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अगर मान लो वो 6 महीने में विधानमंडल की सदस्यता को ग्रहण नहीं कर पाता है बच्चों, तो क्या करना होगा, मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आपने क्या योग्यता होनी चाहिए, एक योग्यता तो ये होनी चाहिए कि वो जो है अगर विधानसभा से चुना जाता है तो 25 साल का होना चाहिए, अगर विधान परिषद से चुना जाता है तो 30 साल का होना चाहिए। हो सकता है वो विधानसभा और विधान परिषद किसी का भी नहीं हो तो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसको 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, तभी वो मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों कार्यकाल। देखो बच्चों, मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो होता है वो
राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, क्योंकि राज्यपाल कभी भी किसी भी राज्य में संवैधानिक संकट स्थिति उत्पन्न होने पर कभी भी विधानमंडल को, विधानसभा को या मंत्री परिषद को बर्खास्त करने का पावर रखता है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है, जब तक उसका विधानसभा में बहुमत रहता है तब तक वो क्या बना रहता है, तब तक वो क्या बना रहता है, मुख्यमंत्री के पद पर बना रहता है। त्याग पत्र, त्याग पत्र देता है बच्चों राज्यपाल, इसको देता है राज्यपाल को त्याग पत्र देता है कौन, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है अनुच्छेद 164(1) के अनुसार। और राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होगी, ये कहता है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163। ठीक है बच्चों, अब बात आती है मुख्यमंत्री और राज्यपाल कैसे रिलेशन है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के, वो देखते हैं। आप सब जानते हो बच्चों हमने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया है हमने, संसदीय शासन व्यवस्था को। इस संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार का शासन होता है बच्चों, एक नाम मात्र का होता है और एक वास्तविक होता है। एक नाम मात्र का शासन होता है और एक वास्तविक शासन होता है। तो जो नाम मात्र का शासन होता है बच्चों वो राज्यों में प्राप्त है राज्यपाल के नाम से। हमारे राज्य के समस्त कार्य जो किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। इसके अलावा वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग करता है कौन बच्चों, मुख्यमंत्री। तो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल, लेकिन वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग करता है कौन, मुख्यमंत्री। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि मान लो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में कड़ी का कार्य भी कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्य से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, विधि और प्रशासन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, मुख्यमंत्री का दायित्व है कि उन सब सूचनाओं से राज्यपाल को अवगत कराने का कार्य आपका मुख्यमंत्री करता है। तो अनुच्छेद, ये बात संवैधानिक है, इसमें मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है और कहा गया है कि मुख्यमंत्री का दायित्व है कि राज्य से संबंधित जितने भी निर्देश है वो सब किसको उपलब्ध करवाएगा, वो मुख्य राज्यपाल को उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा राज्यपाल ने अगर कोई भी सूचनाएं मांगी है तो उन सभी सूचनाओं को भिजवाना, उन सूचनाओं से अवगत करवाने का दायित्व मुख्यमंत्री के हाथों में होता है, ये कहता है अनुच्छेद 167(2). उसके बाद आता है मंत्री द्वारा दिए गए निर्णय पर। मान लो किसी भी मंत्री ने कोई भी निर्णय दे दिया लेकिन इसमें मंत्री परिषद से विचार विमर्श नहीं किया, तो राज्यपाल ऐसा निर्देश जारी करता है कि आपने जो भी निर्णय दिया है उसे मंत्री परिषद के सामने रखा जाए, और मुख्यमंत्री राज्यपाल के आदेश का पालन करते हुए इस प्रकार के निर्णय को मंत्री परिषद के सामने प्रस्तुत करता है बच्चों। तो आपने समझा कि राज्यपाल के दायित्व या राज्यपाल को समस्त सूचनाओं से अवगत करवाता है मुख्यमंत्री, और उन सब कार्यों को जो राज्यपाल सौंपता है उन सब कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का कार्य करता है मुख्यमंत्री। तो देखा आपने, मंत्री परिषद व राज्यपाल के बीच में कड़ी का कार्य करता है, राज्य संबंधी जितनी भी सूचनाएं हैं उससे राज्यपाल को अवगत करवाता है मुख्यमंत्री अनुच्छेद 167 के अनुसार। राज्यपाल अगर किसी भी प्रकार की कोई सूचना मांगता है मुख्यमंत्री से तो मुख्यमंत्री उस प्रकार की समस्त सूचनाओं से अवगत करवाता है। इसके अलावा किसी भी मंत्री ने कोई भी निर्णय दे दिया तो उस निर्णय को मंत्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करवाता है राज्यपाल के आदेश पर, कौन, मुख्यमंत्री। ठीक है बच्चों,
और आपने देख ही लिया संसदीय शासन व्यवस्था का विधान, जिसमें नाम मात्र का शासन राज्यपाल के हाथ में है, जबकि वास्तविक रूप से जो सत्ता दी गई है वो किसको दी गई है, वो मुख्यमंत्री को दी गई है बच्चों, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं अपन, क्या मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का क्या रिलेशन है, ये आप सब जानते हैं। पिछले के वीडियोस में मैंने आपको बताया भी होगा कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की बात करें बच्चों, तो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(1) कहता है कि मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा मुख्य जो बाकी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है उसमें मुख्यमंत्री की सलाह ली जाती है। मतलब ये है जिन नामों की सूची मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास भेजता है, राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रियों के पद पर नियुक्त कर देता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है बच्चों कि मंत्री परिषद की नियुक्ति वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। किस विघटन करना, आप सबको पता है विधानसभा में बहुमत होगा तो ही मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद अपने पद पर बनी रहेगी। जिस दिन विधानसभा में उसका बहुमत नहीं है, मुख्यमंत्री सहित समस्त मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो राज्यपाल कभी भी विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन बच्चों विघटन करने में मेन रोल किसका होता है? मेन रोल होता है मुख्यमंत्री का, क्योंकि मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को कहता है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आता है आकार तय, मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे, इसके आकार को निश्चित करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसको कौन सा विभाग देना है, विभागों का आवंटन करने का कार्य भी मुख्यमंत्री के हाथों में होता है बच्चों। और एक बात जरूर ध्यान रखना, बहुमत वाली सरकार में मुख्यमंत्री को विभागों का आवंटन करने में जितना पावर होता है उतना गठबंधन सरकार में नहीं होता है बच्चों, क्योंकि गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री को बाकी दलों की भी बच्चों सुननी पड़ती है। तो गठबंधन सरकार की तुलना में बहुमत वाली सरकार ज्यादा मजबूत होती है और मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा करने में भी ज्यादा पावरफुल होता है बच्चों। तो आपने देखा विधानसभा को विघटित करने में मेन रोल जो होता है वो मुख्यमंत्री का होता है। मंत्री परिषद के आकार को तय करने में भी मुख्यमंत्री का हाथ होता है। और इसी के साथ एक संविधान संशोधन बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है, 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ बच्चों, इस संविधान संशोधन के अनुसार जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, जितने विधायक है उसके 15% से ज्यादा मंत्री परिषद के पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि हमारे भारत में मंत्री परिषद का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और इस दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए पर कटाक्षेप करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में अमेंडमेंट हुआ, 91वां संविधान संशोधन 2003, जिसके आधार पर कहा गया कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद है कार्यों का विभाजन, किस मंत्री को कौन सा कार्य देना है, ये कार्य करने का कार्य भी मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी इससे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का मैन रिलेशन माना जाता है। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका, आप सब जानते हो राज्य विधायिका का मैन नेता होता है कौन? मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो विधानसभा का नेता भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा विधानसभा को भंग करना है, सत्रावसान करना है,
स्थगित करना है, इन सब में मेन रोल जो होता है वो किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। इसके अलावा बच्चों आपने एक पद का नाम सुना होगा, संसदीय सचिव। कौन सा पद है बच्चों? संसदीय। मंत्री परिषद के अलावा हमारे भारतीय संविधान में एक पद, ये संविधान में तो इस बात का उल्लेख नहीं है बच्चों, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनका कार्यकाल अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया, इनके कार्यकाल में सबसे पहले राजस्थान में संसदीय सचिव पद का सृजन किया गया। और संसदीय सचिव का जो पद होगा उसके जो भी इसके लिए चुना जाएगा उसको शपथ राज्यपाल नहीं दिलाता है, संसदीय सचिव के पद पर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा उसको जो है कौन दिलाएगा? उसको संसदीय सचिव का के जो पद होगा उसको शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है। तो आपने मुख्यमंत्री देखा, उसके बाद बात करते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का ध्यान रखना, तीन अनुच्छेद मंत्री परिषद के लिए इंपॉर्टेंट है, 164, 163, 167। ये तीन जो अनुच्छेद है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं? ये तीन अनुच्छेद आपके मंत्री परिषद के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, 164, 163 और 167। क्या है इनमें ऐसा, तीन अनुच्छेदों को जब सबसे इम्पोर्टेंट माना जा रहा है वो क्या है? देखो, अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ये बात कहता है 163। तो ये मंत्री परिषद की निश्चितता को तय करता है, संविधान में उसके एक स्थान को तय करता है बच्चों। अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 167 कहता है कि किसी भी मंत्री द्वारा दिए गए निर्णय को मंत्री परिषद में विचारार्थ रखा जा सकता है। कौन? राज्यपाल के द्वारा विचारार्थ रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बने रहते हैं। वो विधानसभा या विधान परिषद किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। और मंत्री परिषद में तीन तरह के मंत्री होते हैं बच्चों, पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा है आपका उप मंत्री। मैंने इसके बारे में बताया भी था आपको, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जिनको स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाता है वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिनको कुछ को स्वतंत्र प्रभार और कुछ को कैबिनेट मंत्रियों की सहायतार्थ नियुक्त किया जाता है वो होते हैं राज्य मंत्री, और उप मंत्री सारे के सारे सहायक की भूमिका निभाते हैं बच्चों। तो आपने तीन तरह के मंत्रियों की बात की, और मंत्री परिषद ही हमारे शासन की आधारशिला है। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने विभाग से संबंधित समस्त शासन के कार्यों का को चलाना, प्रशासन को चलाना, नींव का काम करने का कार्य करती है मंत्री परिषद बच्चों। तो आज आपने मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति, कितने तरह के मंत्री, योग्यता, इन सब के बारे में बच्चों आपने डिस्कस किया। आगे के वीडियोस में बच्चों हम मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुख्यमंत्री वास्तविक रूप से किन किन कार्यों को संपादित करता है, और आपके 12th क्लास के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर पिछले के आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आ चुके हैं उन सब के बारे में भी आगे के वीडियोस में बच्चों मैं बताऊंगी। बच्चों एक बात ध्यान रखना, कक्षा 12th के ही नहीं बल्कि कंपटीशन एग्जाम्स के विद्यार्थियों के लिए भी मेरा ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा। आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाने वाली हूँ,
तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और राजनीति विज्ञान के सभी टॉपिक्स को क्लियर करवा सकूं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक्स करने हैं, शेयर करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट डालने हैं कि आपको कौन सा टॉपिक दोबारा समझना है, क्या क्या समझ में नहीं आया, किन किन चीजों में दिक्कतें हो रही है, इन सबको बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। जितने ज्यादा कमेंट डालोगे बच्चों उतनी ज्यादा मैं मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी के साथ आज का मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद मैंने आपको क्लियर करवाया। नेक्स्ट वीडियोस में हम मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।